हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं SOL के जो फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट है ऑफलाइन एग्जाम का, वो कब तक डिक्लेयर करा जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जोड़ देखेगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो गाइस, आखिरकार आपके लगभग 2 महीने पूरे होने को आ गए हैं, लेकिन जो रिजल्ट है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं करा गया ऑनर्स कोर्सेज़ का। और वहीं बात करूँ प्रोग्राम कोर्सेज़ की, क्योंकि जो उनके एग्ज़ाम हैं वो जून में कंडक्ट हुए थे। अगर आपको याद होगा, ऑनर्स कोर्सेज़ के जो एग्ज़ाम हैं वो 31 मई को ख़त्म हो गए थे, और वही जो प्रोग्राम कोर्सेज़ के एग्ज़ाम हैं SOL के, वो जून में स्टार्ट हुए थे ना ही। लेकिन अभी तक इनसे ऑनर्स कोर्सेज़ का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और ना ही इनसे अभी किसी भी प्रोग्राम कोर्स का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। 2 महीने हो चुके हैं। अब ऐसे में सीधा सा सवाल ये बनता है कि आखिर रिजल्ट कब तक डिक्लेयर करा जाएगा। ऐसे में एक आर्टिकल आपको शो करना चाहूँगा मैं। देखिए, यह आर्टिकल एक बार आप पढ़िए। दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज़ रिसेंटली कंडक्टेड द डिग्री एग्जामिनेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ड्यू रिजल्ट 2022 कैन बी अनाउंस बाय द लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2022। लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग देयर डिग्री कोर्सेज फ्रॉम द एफिलेटेड कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी टुक द एग्जामिनेशन इन ऑफलाइन मोड बाई विजिटिंग वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर थ्रू आउट दिल्ली। इट इज़ इन्फॉर्म्ड टू ऑल द स्टूडेंट टू बी रेडी विद द रिक्वायर्ड लॉगिन टू चेक द रिजल्ट एज पर सब रेलेबल सोर्सेज। द आंसर शीट चेकिंग प्रोसेस फॉर UG एंड PG डिग्री एग्जामिनेशन इज लाइकली टू बी कंक्लूडेड बाई द 3rd week ऑफ जुलाई। अब यहाँ पर देखिए, ये मैं आर्टिकल आपको बताता हूँ, जो ये पूरा आर्टिकल है ना, ये कहीं भी SOL वाले बच्चों के लिए लागू ही नहीं होता। मैं ठीक है आपको एक बार एक चीज़ में क्लियर कर देता हूँ। वैसे आर्टिकल जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही है, ऑफलाइन एग्ज़ाम का ही है जो मई और जून में हुए थे, लेकिन ये जो आर्टिकल है ये आपका लागू हो रहा है ऑनलाइन जो बच्चे रेगुलर स्टूडेंट्स में पढ़ते हैं, जो रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनके जो रिजल्ट है वो आना शुरू हो गए। मैं आप लोगों को बता दूँ, BCom ऑनर्स का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर करा जा चुका है। यहाँ तक कि अभी तक SOL का जो हर बार BCom का रिजल्ट पहले आ जाता था, इस बार SOL का अभी BCom का भी रिजल्ट नहीं आया है। वही दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो रेगुलर कोर्सेज के जो रिजल्ट है वो आना शुरू हो गए हैं, और ऐसा उम्मीद भी करी जा रही है कि अगस्त के मिड ऑफ अगस्त तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो रेगुलर कोर्सेज हैं मतलब रेगुलर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सभी कोर्सेज के जो रिजल्ट हैं वो आपको देखने को मिल भी जाएंगे। लेकिन वही बात रही अब SOL की, SOL में इतना टाइम क्यों लग रहा है। देखिए, पता नहीं, अब मिनिमम SOL का अगर देखिए, अगर आप बच्चे हैं तो आपको भी आदत हो गई होगी, आपने ऑनलाइन एग्जाम में होगा, 3-3 मंथ लग जाते हैं रिजल्ट आने में, 3 से 3.5 मंथ इनको लग जाते हैं रिजल्ट डिक्लेयर करने में। तो अब की बार तो खासकर ऑफलाइन एग्जाम हुए हैं तो और भी ज़्यादा टाइम इनको लगने ही वाला है, इतनी तो गारंटी है। अब रही बात आखिर में रिजल्ट इनका फिर भी कब आएगा, तो देखिए सबसे पहले जितना मेरे को लगता है रिजल्ट का जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगा। पहले ऑनर्स कोर्सेज का रिजल्ट डिक्लेयर करा जाएगा, जिसके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि एंड ऑफ अगस्त तक जो है रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, एंड ऑफ अगस्त। और रही बात प्रोग्राम कोर्सेज की, उनका जो रिजल्ट है शायद सेप्टेम्बर में आके ही आप लोगों को देखने को मिले। तो ऑनर्स कोर्सेज़ का जो रिजल्ट है वो एंड ऑफ अगस्त आने शुरू हो जाएगा, और रही बात प्रोग्राम कोर्सेज की, तो उनका जो रिजल्ट है आपको सितंबर तक का और अभी वेट करना पड़ सकता है, यानी कि 1 मंथ का और। तो अभी के लिए इन्फॉर्मेशन यही तक थी। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।